जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर SI ASI की आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी। जी हाँ, 1638 आप लोग की टोटल वैकेंसी थी। ट्रेड्समैन की 693 वैकेंसी आप लोग की हो चुकी थी। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल की 914 वैकेंसी थी। इसके अंतर्गत आप लोग की इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, स्टीवर्ड, वेटनरी और कम्युनिकेशन की आप लोग की वैकेंसी थी। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी आप लोग की, सब इंस्पेक्टर पॉइंटर, सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन, कम्युनिकेशन, स्टाफ नर्स की 111 वैकेंसी। इसी प्रकार से आप लोग की ASI फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी, ASI रेडियोग्राफर, ASI ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन स्टेनो की आप लोग की 70 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई थी। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम आप लोग के यहाँ पे हुए थे December 2023 में। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आप लोग का आना था। जी, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे वैकेंसी की जानकारी देता हूँ, किसी भी प्रकार से आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जी हाँ, ये वैकेंसी आप लोग की निकल के आई थी। इसमें आप लोग देखेंगे हेड कांस्टेबल की वैकेंसी थी। यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आप लोग के पास पूरी जानकारी होगी। SSB में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकल के आई थी। इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक ओनली मेल हेड कांस्टेबल, स्टीवर्ड, वेटनरी, कम्युनिकेशन काफी अच्छी वैकेंसी थी। इसी प्रकार से आप लोग की स्टेनो की वैकेंसी थी। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर में स्टेनो की वैकेंसी निकल के आई थी। और इसी प्रकार से आप लोग की सब इंस्पेक्टर पॉइंटर, सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की आप लोग की वैकेंसी थी। और इसके अलावा आप लोग की सब SSB में ही ASI फार्मासिस्ट, ASI रेडियोग्राफर, ASI ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ASI डेंटल टेक्नीशियन की आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी। रिटर्न एग्जाम आप लोग का हुआ था, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आप लोग का आना था। तो यहाँ पे रिजल्ट आप लोग के आए। जी हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था सब इंस्पेक्टर पॉइंटर के लिए तो आप लोग का रिजल्ट यहाँ पे आया था रिटर्न एग्जाम का। मेडिकल के एडमिट कार्ड वगैरह आप लोग के आए थे 19 मार्च 2024 से मेडिकल थे। जी हाँ, एडमिट कार्ड वगैरह आप लोगों ने डाउनलोड किए होंगे। इसी प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे रिजल्ट आया था सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का। जी हाँ, इसके भी आप लोग के एडमिट कार्ड वगैरह आ चुके हैं। और आप लोग की जो किनको शॉर्टलिस्ट किया गया है मेडिकल के लिए उसकी डिटेल आप लोग की आई हुई है और यहाँ से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन और सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स का। तो इस प्रकार से आप लोग के एडमिट कार्ड वन बाय वन आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन और सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 27 मार्च 2024 से आप लोग के यहाँ पे मेडिकल है। तो मेडिकल की डेट वगैरह आप लोग को दी गई है, किनको किनको शॉर्टलिस्ट किया गया है उसकी जानकारी आप लोग को दी गई है। इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे कुछ और कैंडिडेट कुछ और पोस्टों के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ, मेडिकल के लिए यहाँ पे ASI फार्मासिस्ट, ASI रेडियोग्राफर, ASI ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ASI डेंटल टेक्नीशियन, हेड कांस्टेबल मैकेनिक, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड और हेड कांस्टेबल वेटनरी की जो आप लोग की पोस्ट थी आपके लिए भी यहाँ पे आपको भी शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। जी हाँ, इसमें आप लोग देख सकते हैं हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी और इसके अलावा ASI की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी। आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था तो बिल्कुल आप लोगों को भी यहाँ पे मींस डिटेल दे दी गई है किनको किनको शॉर्टलिस्ट किया गया है मेडिकल के लिए। जी हाँ, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का जो रिटर्न एग्जाम हुआ था ASI सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट और ASI डेंटल टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और हेड कांस्टेबल मैकेनिक मेल स्टीवर्ड वेटनरी वगैरह की जो आप लोग के रिटर्न एग्जाम हुए थे 27/12/2023 और 22 जनवरी 2024 में। तो यहाँ पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया गया है, आप लोगों ने रिटर्न एग्जाम दिया था। तो यहाँ पे पहले ही आप लोग को बताया गया था एक ओरिजेंडम जारी करके कि 5 गुना कैंडिडेट अब यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं मेडिकल के लिए। जी हाँ, इसकी जानकारी भी मैं आप लोग को मैंने लगातार प्रोवाइड कराई है। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का जो ओरिजेंडम था जिसमें आप लोग को बताया गया था कि अब जो है पहले 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाने थे लेकिन अभी 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाए जा रहे हैं। फिर चाहे आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हो हेड कांस्टेबल की किसी पोस्ट के लिए, ASI की किसी पोस्ट के लिए, अभी सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए, तो 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे DME यानी कि मेडिकल के लिए कोई पॉइंट वगैरह बनता है तो रीमेडिकल भी आप लोग का होने वाला है। और यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कोरिजेंडम, ठीक है, 28/12/2024 को जारी किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने कितने कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं। ASI फार्मासिस्ट के लिए 33 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए हैं मेडिकल के लिए, ASI रेडियोग्राफर के लिए 103 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, ASI ऑपरेटर
थिएटर टेक्नीशियन के लिए 5 कैंडिडेट और डेंटल टेक्नीशियन के लिए 5 कैंडिडेट, हेड कांस्टेबल मैकेनिक मेल कैंडिडेट 81 कैंडिडेट और हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड के लिए कोई वैकेंसी नहीं, हेड कांस्टेबल वेटनरी कोई मींस किसी को नहीं बुलाया गया। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए 50 बच्चे यहाँ पे बुलाए गए हैं। तो इस प्रकार से जो आप लोग की वैकेंसी थी उसके 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए हैं। यदि मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोग गेन कर रहे हैं तो मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है तो आप लोग को नहीं बुलाया जा सकता। जी हाँ, पोस्ट ऑफ कैटेगरी वाइज कट ऑफ की जानकारी भी आप लोग को दे दी गई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ASI फार्मासिस्ट के लिए जो टोटल मार्क्स वगैरह आप लोग के OBC के कितने हैं, मार्क्स इन पार्ट टू, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप लोग की दी गई। जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ कुछ बच्चों की मैच कर जाती है और सेम मार्क्स होते हैं, तो इस वजह से जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होती है यानी कि जो एज में ज्यादा होता है उसको यहाँ पे प्रिफरेंस दी जाती है, तो इस वजह से आप लोग की डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है। तो टोटल मार्क्स और पार्ट टू में कितने मार्क्स हैं उसके बेस पे आप लोगों को बुलाया गया ASI रेडियोग्राफर का भी। इसी प्रकार से टोटल मार्क्स और पार्ट टू में कितने मार्क्स हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ASI ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जनरल की वैकेंसी थी, जनरल की डिटेल दी गई। ASI डेंटल टेक्नीशियन में टोटल मार्क्स और पार्ट टू में क्या मार्क्स है आप लोग के, हेड कांस्टेबल मैकेनिक मेल के लिए टोटल मार्क्स आप लोग के कितने और पार्ट टू में क्या मार्क्स है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। इसी प्रकार से वेटनरी की जानकारी आप लोग को यहाँ पे दी गई है, तो कट ऑफ की जानकारी आप लोग को दे दी गई, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्वालिफाई किया गया नहीं किया गया इसकी डिटेल आप लोग की एनेक्सर ABCDEF में दी गई है, आप लोग नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बुलाया गया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जी हाँ, आप लोगों का जो रिटन एग्जाम था उसी के बेस पे आप लोग को बुलाया गया है। और इसमें आप लोग के पार्ट टू के मार्क्स भी आप लोग को दिए गए हैं, यदि सेम मार्क्स होते हैं तो पार्ट टू के मार्क्स देखे जाएंगे, फिर एज वगैरह देखी जाती है, तो ये सारी डिटेल आप लोग को दी है। तो मेडिकल के लिए आप लोग को बुलाया गया है, ठीक है, इसकी डिटेल आप लोग को दी गई है। और इसमें आप लोग को नीचे आना है, जी हाँ, आप लोग सबसे पहले अपना नाम चेक कीजिए, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आप लोग रोल नंबर आप लोग चेक कीजिए, रोल नंबर आपका है या नहीं, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप लोग का भी जल्द ही एडमिट कार्ड वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग नाम सर्च कीजिए जिस भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, जी हाँ, रोल नंबर सर्च कीजिए, सबसे पहले रोल नंबर मैच करता है, फिर आप लोग नाम, फादर नेम वगैरह देखिए। तो इस प्रकार से आप लोग का रिजल्ट आ गया है। इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, अभी SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर वालों का भी रह रहा है, ठीक है, सभी के नंबर 1x1 सभी के एडमिट कार्ड आएंगे, सभी का रिजल्ट यहां पे आने वाला है। बस वेबसाइट चेक करते रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, और इसी प्रकार से आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम से आप लोग जुड़िए। जानकारी मैंने आप लोगों के नोटिस के माध्यम से प्रोवाइड कराया था कि सभी के फिजिकल, सभी का प्रोसेस यहां पे स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, सभी का प्रोसेस आप लोग का स्टार्ट होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पे आप लोग का सब इंस्पेक्टर वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सब इंस्पेक्टर ASI हेड कांस्टेबल का। अब जो नेक्स्ट आप लोग का है यहां पे कांस्टेबल ट्रेड्समैन का देखने को मिलेगा, ASI स्टेनो, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, और इसके अलावा HCM वगैरह का, ठीक है। तो 1x1 सभी की डिटेल आप लोग को देखने को मिलेगी, आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, रोल नंबर चेक कीजिए, रिजल्ट आप लोग देखिए यहाँ पे, और इसके बाद आप लोग जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे मेडिकल के लिए। आगे कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को आती है वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जांच पर ही कहूंगा, यदि चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लाते रहोगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।